क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते जाएं। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का 68वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही महेंद्र सिंह धोनी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो सीएसके की शुरुआत खराब रही, जहां पहले से लाइन बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बोर्ड की इस बार जाती गेंद पर एज दे बैठे इस तरीके से, और इस तरीके से संजू सैमसन ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट को आवेड। उनके फादर डिवियन कॉनवे भी इस तरीके से स्टंप्स के सामने बीच-बीच पाए गए और रिव्यू भी इन्हें बचा नहीं पाया, और अश्विन यादव एलबीडब्ल्यू आउट हो गए 16 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते कॉनवे। लेकिन पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया मोइन अली ने और सिर्फ 19 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक लगा दिया तूफानी बल्लेबाजी से, और अंत तक इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, मोइन अली की बल्लेबाजी शैतानी हुई शुरुआती 6 ओवरों में, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी रहा। इस तरीके से जगदीश मैकॉय की गेंद पर सामने खड़े फील्डर रियान पराग को अपनी कैच दे बैठे और 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए जगदीश चंद आउट हुए। 200 के बाद इस तरह से अंबती रायडू भी युजवेंद्र चहल की गेंद पर एज दे बैठे और स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते अंबती रायडू भी 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से मोइन अली की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी, लेकिन रनों की गति काफी ज्यादा कम हो चुकी थी क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के हाथ से शॉट्स नहीं लग रहे थे। 228 गेंदों का सामना करते 26 रन लगाकर चहल की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे धोनी, और जॉस बटलर ने इस तरह से कैच पकड़ ली, जिसके चलते धोनी 28 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 26 रन लगाकर आउट हुए। 200 देखते ही देखते दूसरे एंड से 53 रन पर पहुंच चुके थे मोइन अली 57 गेंदों में, और ऐसा लग रहा था कि आज अर्धशतक पूरा कर ही लेंगे, लेकिन आखिरी ओवर में ये भी चूक गए। 200 मैकॉय की गेंद थी, सामने का शॉट खेला मोइन अली ने, गेंद हवा में जा रही थी और फील्डर ने इनकी कैच पकड़ी बाउंड्री पर, 53 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते बेहतरीन पारी खेलकर मोइन अली आउट हुए, जिसके चलते 150 रन लगा दिए चेन्नई की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें राजस्थान की तो खराब रही। 200 सिमरनजीत सिंह की इस गेंद पर बड़े बल्लेबाज जॉस बटलर इस तरीके से एज से बैठे और स्लिप में मोइन अली ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में पर्पल कैप होल्डर जॉस बटलर 2 रन मिलाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद दूसरे रन से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसन, तभी संजू सैमसन भी इस तरीके से फंस कर रह गए सैंडनर की गेंद पर, सामने का शॉट खेला जोर से और सैंडनर ने इन्हीं की कैच पकड़ ली लपक कर, जिसके चलते इस मुकाबले में संजू सैमसन 15 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद मोइन अली के सामने देवदत्त पडिक्कल आ गए, लेकिन पडिक्कल इस तरह से मिस हो गए शॉट लगाने के चक्कर में और बोल्ड होकर रह गए, और मोइन अली ने बेहतरीन विकेट निकाली 3 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए देवदत्त पडिक्कल आउट हुए। 200 के बाद यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी की और देखते ही देखते राजस्थान की गाड़ी को जीत पर लेकर आ गए थे। 200 इस मुकाबले में 40 गेंदों का सामना करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन जब 59 रन पर आ चुके थे तो प्रशांत सोलंकी की इस गेंद पर छक्का मारने की चाह में बड़ा शॉट खेल बैठे इस तरीके से जायसवाल, और गेंद के नीचे आ गए मतीशा पति राणा, जिसके चलते इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल 59 रन बनाकर 44 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उसके बाद मैच को फिनिशिंग टच दिया हमारे रविचंद्रन अश्विन ने। 200 अश्विन ने गेंद को आखिरी ओवर तक ढकेल दिया था। 200 आप सभी को बता दें, उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मैदान पर रियान पराग, लेकिन रियान पराग से खतरनाक बल्लेबाजी रविचंद्रन अश्विन ने की, इन्होंने 40 रन ठोक दिए सिर्फ 23 गेंदों में, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सिर्फ 2 गेंदें बाकी रहते 5 विकेटों से चेन्नई को यह मुकाबला हरा दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान की टीम ने 5 विकेटों से चेन्नई को यह मुकाबला हरा दिया है और अब दूसरे स्थान पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में, और गुजरात के साथ पहला प्लेऑफ खेलेगी राजस्थान। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है राजस्थान इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। ऐसे में इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत खराब रही। 200 शुभमन गिल इस तरीके से हेजलवुड की बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में खड़े मैक्सवेल को अपनी कैच दे बैठे, मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए शुभमन गिल आउट हुए। उनके बाद वेड आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी मैक्सवेल की गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए मैथ्यू वेड आउट हुए। उनके बाद हार्दिक पांड्या और वृद्धिमान साह के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी दूसरे एंड से इस तरह सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से वृद्धिमान साह डुप्लीसी के हाथों रन आउट हो गए। 31 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए वृद्धिमान साह रन आउट हुए, लेकिन उनके बाद डेविड मिलर आए हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए। 34 रन बनाकर हसारंगा की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे सामने की तरफ डेविड मिलर, 34 रनों की एक अच्छी पारी खेल 25 गेंदों का सामना करते डेविड मिलर आउट हुए। 200 उनके ठीक बाद राहुल त्रिवेदिया भी 2 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर कार्तिक को अपनी कैच दे बैठे, मात्र 2 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिवेदिया आउट हुए। लेकिन
लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 62 रनों की तूफानी पारी खेली 47 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की अंत तक नाबाद पारी खेली और 6 गेंदों पर राशिद खान ने 19 रन लगाए आखिरी के ओवर में, जिसके चलते 168 रन लगा दिए गुजरात टाइटंस की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में अब देखना यह होगा कि डू और डाई वाले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी इतना लक्ष्य प्राप्त कर पाती है या नहीं। इतने टारगेट का पीछा कर रहे उतरी गुजरात टाइटंस के सामने विराट कोहली की टीम आरसीबी। दोस्तों आरसीबी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो आरसीबी की शुरुआत शानदार रही, जहां इस बार खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में ऐसी शुरुआत दिलाई मानो गुजरात टाइटंस के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने सबसे पहले अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों विराट कोहली का ये आईपीएल 2022 का पहला अर्धशतक है। दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके साथ विराट कोहली के साथ साथ फैफ डुसिली भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रनों की सलामी साझेदारी निभाई, जिसके चलते गुजरात टाइटंस से मुकाबले से लगभग बाहर ही हो चुकी थी और विराट कोहली लगभग 60 से ज्यादा रन बना चुके थे और उनका साथ तूफानी अर्धशतक बनाकर दे रहे थे फैफ डुसिली। दोस्तों कोहली और डुप्लीसी के बीच में बेहतरीन पार्टनरशिप हो रही थी। देखते देखते डुप्लीसी के सामने विराट कोहली ने धाकड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी विराट कोहली तूफानी अर्धशतक के पार पहुंच गए थे तो वहीं इनकी नजरें पूरी तरीके से शतक पर थी, लेकिन जीत के लिए सिर्फ 20 गेंदों पर 21 रनों की दरकार थी जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, विराट कोहली ने तो इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगा दिया था और लगभग 99% जीत पक्की कर दी थी आरसीबी की, लेकिन उसके बाद इस तरीके से 115 के स्कोर पर आरसीबी के पहले विकेट गिरी। राशिद खान की इस गेंद पर फैफ डुप्लीसी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद के नीचे आ गए हार्दिक पांड्या, जिसके चलते इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी डुप्लीसी के रूप में। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में फैफ डुप्लीसी 44 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते हुए आउट होकर रह गए। दोस्तों राशिद खान ने पहली विकेट निकाल दी थी। अब विराट कोहली के साथ मैक्सवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 146 के स्कोर पर दूसरी विकेट गिरी। आगे बढ़ गए विराट कोहली क्रीज छोड़कर और पीछे से मैथ्यू वेड ने स्टंपिंग कर दी, जिसके चलते इस मुकाबले में विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों विराट कोहली ने 73 रनों की धाकड़ पारी खेली 54 गेंदों में और राशिद खान की गेंद पर विराट कोहली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन लगा दिए सिर्फ 18 गेंदों में, जिसके चलते आरसीबी ने 18वें ओवर की 14 गेंद पर तूफानी मुकाबला जीत लिया 8 विकेटों से। अब प्लेऑफ की रेस में नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुकी है आरसीबी की टीम। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आरसीबी क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों रिंकू सिंह ने कल रात हंगामा मचा दिया अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर के इस तूफानी मुकाबले का अंतिम ओवर काफी ज्यादा रोमांचक रहा, तो आइए आपको बताते हैं रिंकू सिंह का वो आखिरी ओवर और लखनऊ सुपर जायंट्स की तूफानी गेंदबाजी और केकेआर की तूफानी बल्लेबाजी आखिरी ओवर की। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे मार्कस स्टोइनिस को, केएल राहुल ने गेंदबाजी थमाई और स्ट्राइक पर थे हमारे रिंकू सिंह। दोस्तों आइए पहली गेंद पर देख लेते हैं क्या हुआ। दोस्तों पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से सामने का शॉट खेला रिंकू ने और गेंद गई बाउंड्री के पार, जिसके चलते पहली गेंद पर आ गया चौका। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने शॉर्ट गेंद पर घुमा दिया बल्ले को और गेंद जा रही थी अंतरिक्ष में, जिसके चलते इस गेंद पर आ गया छक्का और 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे। दोस्तों उसकी अगली गेंद को भी एक और बार सामने की तरफ गगनचुंबी हवा में खेल दिया रिंकू सिंह ने और ये भी गेंद गई बाउंड्री के पार, जिसके चलते इस गेंद पर भी छक्का आ गया और शुरुआती 3 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 16 रन जड़ दिए। दोस्तों रिंकू सिंह की बल्लेबाजी तूफानी हो रही थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब 3 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। ये शॉट खेलकर रिंकू सिंह ने दौड़कर 2 रन ले लिए और वापस स्ट्राइक पर आ गए और अब 2 गेंदों पर 3 रनों की दरकार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसकी अगली गेंद थोड़ी सी वाइड रखी मार्कस स्टोइनिस ने, इस गेंद को भी रिंकू सिंह ने हवा में खेल दिया। गेंद हवा में जा ही रही थी कि नीचे एवन लुईस ने शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते समाप्त हुई रिंकू सिंह की खतरनाक बल्लेबाजी। 40 रन बनाकर रिंकू सिंह सिर्फ 15 गेंदों में आउट हुए खतरनाक बल्लेबाजी करकर। दोस्तों रिंकू सिंह जैसे ही आउट हुए, लखनऊ के खेमे में खुशी की लहर आ गई। दोस्तों आप सभी की नजरें आखिरी गेंद पर थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर 3 रनों की दरकार थी। स्टोइनिस दौड़ कर आए गेंद फेंकने के लिए, स्ट्राइक पर आ चुके थे नए बल्लेबाज उमेश यादव, सुनील नारायण दूसरे एंड पर थे। अगर नारायण होते तो मैच जीत जाती है क्या। दोस्तों आखिरी गेंद पर इस तरह से बोल्ड होकर रह गए उमेश यादव बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, जिसके चलते लखनऊ ने 2 रनों से आखिरी गेंद पर ही मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी, लखनऊ की तूफानी बल्लेबाजी, लेकिन अंत में नतीजा आया लखनऊ के खेमे में, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने 2 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ इस आईपीएल जीत पाएगी या नहीं, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस की अगर हम बात करें तो टॉस गिरा लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में। केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और उनके साथ सलामी बल्लेबाज बनकर आए क्विंटन डीकॉक।
200 शुरुआत की बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत के साथ साथ अंत भी था। जी हाँ दोस्तों, क्विंटन डिकॉक ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी की और उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे केएल राहुल, लेकिन और उनसे खतरनाक मध्यक्रम में बल्लेबाजी की क्विंटन डिकॉक ने। दोस्तों इस मुकाबले में सबसे पहले क्विंटन डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक पर क्विंटन डिकॉक की पारी थमी नहीं। दोस्तों उन्होंने और भी तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे कमाल लाजवाब राहुल। दोस्तों इन्होंने भी तूफानी बल्लेबाजी की और इन्होंने